हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? होप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक है। मैंने सुबह का काम कर लिया था तो इनका ऑफिस का टाइम हो गया था। ये भी रेडी हो गए थे, इनके लिए मैंने केक निकाल के दिया और फिर मैंने बनाया अपने लिए लंच के लिए चावल के रोटी। और फिर रोटी बना के मैंने पैक किया, ये ऑफिस के लिए चले गए थे। तो फिर मैं निकली अपने ऑफिस के लिए बनाना खा के। जा रही थी भाई के रेस्टोरेंट के रास्ते में तो काफ़ी लोग आज पूजा कर रहे थे, होलिका दहन का दिन था ना आज, इसलिए औरतें सारे पूजा करके निकल रहे थे। फिर उसके बाद कुछ टाइम बैठने के बाद मैंने रैपिडो किया और रैपिडो से फिर मैं निकली अपने सैलून के लिए। सैलून पहुँची, सैलून जाते जाते मैंने अपना हेयर कट करने का फैसला किया। एक्चुअली हुआ ये था कि मैंने पहले बहन को बोला था कि मेरा हेयर कट कर दे, बट उसकी तबीयत ख़राब थी ना, तो मैं घर से नहा के निकल गई थी। मैंने सोचा चलो सेल्फ ट्राई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे मेरी क्लाइंट भी बैठी थी तो बोल रही है आप खुद हेयर कट कर रहे हो? मैंने बोला हाँ, आपको आती है? वो भी ब्यूटीशियन थी ना, तो बट उसको आता नहीं था, ब्यूटी का ही आता था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अगर उसको आता तो मैं उससे बोलती चलो आप काट दो ये स्कर्ट, ये कट है ना, बट उसको भी नहीं आता था। फिर मैंने सोचा चलो मैं खुद कर लेती हूँ। फिर मैंने रखा अपना वीडियो ऑन पे और अपने हेयर कट करने लगी। तो हेयर कट करते करते क्लाइंट से भी बातचीत हो गई मेरी, कि एक ही फील्ड के होते हैं ना, तो फिर वो देख रही है और फिर बोल रही है कि आपके यहाँ कुछ काम आए एक्स्ट्रा तो बता देना। तो मैंने बोला ठीक है, आपके पास भी मेकअप वगैरह की बुकिंग आए तो मुझे दे देना, फिर आप आ जाना इधर। तो बोलिए हाँ ठीक है, मैं गांव जाऊंगी, गांव जाके आ रही हूँ तो देन फिर मैं आपसे मिलूंगी। मैंने बोला ठीक है ओके, आप चाहो तो मेरा नंबर ले सकते हो, बाहर बोर्ड पे लगा हुआ है। तो फिर मैं उसने बोला ठीक है, तो वो काम करा के चले गए। फिर मैं अपना हेयर कट करने लगी तभी साइड में वो भी काम कर रही थी लड़के को, थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है बट कोई ना, काम चलाओ तो काट ही लूँगी मैं अपने हेयर, सेल्फ हेयर। ब्यूटी प्रोफेशन का ये दिक्कत होता है ना, हम खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते अपने लिए सेल्फ लिए, बट दूसरों के लिए सब कुछ कर सकते हैं। फाइनल लुक मेरा ये है हेयर कट का, कैसा लग रहा है? तो इवनिंग हो गया था, फिर मैं आ रही थी घर पे। घर आते टाइम फिर ऑटो किया था, ऑटो वाला नहीं आया अंदर, तो मैं बाहर तक पैदल चल के आई, फिर ऑटो वाला मिल गया, फिर मैं निकली घर के लिए। घर में आके फिर इसीलिए मैं परसों ही मेथी लेके रखा था मैंने, मेथी का पराठा बनाने के बाद हमने प्लान किया था, मेथी का साग था और मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैंने वीडियो यूट्यूब में वीडियो देख लिया था, उसके बाद मैंने बोला इनको लसन दो आप, इन्होंने भी हेल्प की मेरे अपने आटे में लसन छीलने में मिक्स की और बाकी, और तभी ये सेव काट के मुझे खिला रहे थे बट उन्होंने नीचे रख दिया था। तो मैं काम सेब काट के फिर मैं मुंह बना के ऐसे बैठी हुई थी, मुझे मेरे सामने रख दिया था नहीं, मैं काम कर रही थी इसीलिए बोला खा लो, मैंने बोला कि नहीं आप खुद खा लो, देखा नहीं सोच के है ना, इन्होंने अपने हिस्से खा के फिर मैं रख दिया, मुझे बाद में सब होने के बाद तो इसलिए लास्ट में मुझे पता चलता है कि बंदे ने मेरे हिस्से का और खुद खा लिया सेब, फिर बाद में रख लिया। मैं जा रहे थे, मैंने बोला इतना मुंह फुलाने का कोई काम नहीं हुआ, तो ऐसे करके मेरा मुंह उतरा हुआ है। मैं काम फिर मैंने बनाया, तो फिर मैंने पराठे पराठे बनाते टाइम मैंने बोला कि आप हमेशा मैं फेस ही दिखता है, कितने अच्छे अभी पराठा में फोकस करके आप वीडियो बनाओ, अच्छे है भाई खाने में बहुत, वीडियो बन रहा है। और मैंने बोला कि वीडियो ऑन वो कर देना, क्योंकि हाथ से ना नहीं होता, मतलब अपना फेस ही दिखता है, तो फिर बनाते टाइम का वीडियो देखने में तो अच्छे है ही और खाने के बाद भी बहुत टेस्टी। तो उठा के कर रहे थे, इन्होंने ये रिकॉर्ड कर दिया है, तो इसीलिए रोटी पराठा वगैरह दिख रहा है। ईजी वे था वैसे है ना, और ये मैं गुस्से में कुछ बोल रही थी, बोलते हैं खाना बनाते टाइम गुस्से नहीं करते, अब क्या ही करें, और आगे पीछे गुस्सा और लड़ाई करने का टाइम ही वक्त नहीं मिलता, तो वही किचन टाइम में मॉर्निंग टाइम में मिलता है,
तो यहाँ पे इन्होंने लाल चटनी बनाया था, तो कुछ बोल रहे थे, पीस रहे थे और देखो लाल मिर्च की, तो मैं और इनको छेड़ बोल रही थी, मैं इनको छेड़ रही थी, तरबियत यही है बोल रही थी। तो हमारा डिनर रेडी हो गया, मेथी के मेथी के पराठे हैं, दही है और लाल चटनी है। आज का हमारा हम लोग ने खाया, खाने के बाद हम सो गए। आज का दिन हमारा अच्छा रहा, होप आप लोगों का भी अच्छा रहा होगा। गुड नाइट, लव यू ऑल।